नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आदेशानुसार नागपूर शहर अध्यक्ष माननीय विकासभाऊ ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज दीक्षाभूमी येथून विधानभवनावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावर नाना पटोलेंनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. देखो, आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सुने होंगे. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव लेने का एक तरफ का एक झटका सरकार ने दिया है, सरकार पे दिया है, और उसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि गए 6 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने का काम भाजपा ने केंद्र सरकार ने किया है, और इसने एक बड़ा तमाचा केंद्र सरकार के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है. मूल सब्जेक्ट है कि यही 2014 में कह रहे थे कि हम 370 लाएंगे, 370 हम लाएंगे, हम कश्मीर को मुक्त करेंगे. कश्मीर मुक्त नहीं, कश्मीर तो ऑलरेडी है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कहा है, तो 370 हटाकर इन लोगों ने चुनाव क्यों नहीं लिए? क्या वहां पर अभी भी राष्ट्रपति राजवट लगा के रखी है? और ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा. 30 सितंबर तक चुनाव होना चाहिए, और ये कुछ बहाना करके अगर चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था मान्य नहीं है, ये उसमें स्पष्ट होगा. क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे? देखो, ये केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा वहां पे कुठाराघात किसके ऊपर अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है. दिन दहाड़े कत्तल कश्मीरी पंडितों की राष्ट्रपति शासन में और बीजेपी के राज में हुई है, और इसलिए इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर अब कश्मीरी पंडितों का भी विश्वास नहीं रहा है, और इसलिए ये डरी हुई सरकार है. तो ऐसे डरी हुई सरकार के इसमें कश्मीर पंडित वापस जाएगी कि नहीं जाएंगे, ये प्रश्न अभी है.